अभी तक आपने वर्डप्रेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ट्राई किया है, और फंक्शनैलिटीज़ के अलावा व्हाट वी हैव ट्राई टू डू इज़ कि हमने आपको वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स का एक इंट्रोडक्शन दिया है, और साथ ही साथ हमने उन डिफरेंट प्लगइन्स को आपको ट्राई कराया। वर्डप्रेस का ये जो जर्नी है, इट्स फुल ऑफ लर्निंग। इस वर्डप्रेस की जर्नी में जितना ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकेंगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ के मैं अपने आप को वर्डप्रेस का क्या एक्सपर्ट कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डेवलपर कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डिज़ाइनर कहूँ, आखिर व्हाट यू शुड कॉल योरसेल्फ एज व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस। और इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि आप देखें and try to focus on those features of WordPress which make you stand out in the crowd. So you could be a WordPress theme expert, you could be a WordPress plugin expert, you could be a WordPress solution expert, but try to dig deeper aur tezi se aur zara understand kare isko ki kya aap WordPress mein aisa kar sakte hain jo koi aur nahi kar sakta. So one of the upcoming fields in WordPress is WordPress theme speed optimization. क्या आप WordPress को use करते हुए एक ऐसा system बना सकते हैं which is really really fast? इसकी एक demand है market में। क्या आप लोगों को उनके plugins को customize करने में help कर सकते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा demand है market में। So आपने अपने लिहाज से देखना है कि what is that area which really makes you stand out when it comes to WordPress, and you have to establish yourself as an expert in that particular field. इस particular topic में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे forms का, कि forms आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और forms को use करते हुए कैसे आप data capture कर सकते हैं, और forms की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, और फॉर्म्स के लिए कौन से प्लगइन्स हैं जो सही हैं। सो वी विल डिस्कस फॉर्म्स, बट बिफोर वी डिस्कस फॉर्म्स लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर फॉर्म्स। आपने देखा होगा इंटरनेट पे जब भी आप कहीं साइन अप करने लगते हैं तो आपको एक फॉर्म नज़र आता है। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों ने जब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप की होगी तो होस्टिंग के साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ा होगा। फॉर्म is usually a set of fields which asks you for data. वो data क्या है? वो data हो सकता है नाम, so it could be first name, last name. It could be data like email. It could be data like phone number. It could be data like address. It could be any data which is very very useful to the person who's trying to capture that data. इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब आपने DigiSkills.pk पे साइन अप किया तो आपने फिल आउट किया एक फॉर्म। दैट फॉर्म अलाउज DigiSkills.pk टू कैप्चर डेटा अबाउट यू। और डेटा कैप्चर करना क्यों ज़रूरी है? डेटा कैप्चर करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। डेटा कैप्चर आप इसलिए करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू योर कस्टमर्स। डेटा आप इसलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि आप अपने यूज़र्स को एक न्यूज़लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, या आप डेटा इसलिए कैप्चर करते हैं बिकॉज यू वांट टू कैप्चर योर यूज़र्स एज लीड्स, एंड लेटर ऑन यू वांट टू सेंड अ प्रमोशन और एन ऑफर टू दोज यूज़र्स। सो काफ़ी रीजंस हैं डेटा कैप्चर करने के, और डेटा कैप्चर करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं फॉर्म्स। So forms mein you have a set of fields as I just told you, and in those set of fields you can capture data. So jis tarah journal forms mein aap ye kar sakte hain, thanks to WordPress you can do this very simply
using different plugins that we are going to discuss with you. Usme se ek plugin hai, Contact Form 7. Contact Form 7 is actually one of the most popular plugins out there when it comes to capturing data or capturing any kind of information. The other plugin that we are going to discuss is called WP Forms. Ye dono plugins aapko WordPress mein data capture karne ke liye help karenge. And being a WordPress expert, being a WordPress developer, being a WordPress designer, one of the very critical things is to see how you are going to capture the data of users who are coming to your website. Because jab aap unki information capture karenge, to aap unhe promotions baad mein send kar sakte hain. To baad mein aap unke sath contact kar sakte hain. So capturing data through forms is very, very crucial. Isse pehle ki hum iske ek live session mein jayein taaki aapko hum ye sikhayein ki kaise aap form install kar sakte hain, bana sakte hain. There are some themes which have built-in forms. So themes like Divi, themes like Elementor, ye wo themes hain jinke saath ek builder automatically aata hai within the theme as well. So make sure ke aap ye form sirf tab install karein agar aapki theme ya aapke plugin mein built-in forms installed nahi hai. So very simple example is a theme like Divi. Aap mein se kaafi logo ne apne is safar mein Divi abhi tak try ki hogi. So DV, jo ke ek theme hai, badi comprehensive theme hai, DV comes in with a built-in form. So aapko alag se contact form 7 install karne ki zarurat nahi hai, because DV forms offer you an ability to integrate forms directly within your website without using an external plugin. So ye iska thoda sa background tha. Forms agar aapke theme mein already available hain, to aapko externally alag se form install karne ki zarurat nahi hai through plugins. But we want you to try out Contact Form 7 and WP Forms, which is why we are going to take you live and give you a live demonstration of how to use forms on your WordPress website. We'll go to vidsart.com and we'll try to log in. We'll go to /wp-admin. Aur yahan pe I can see the back end of WordPress. Aur aapko isme kafi areas jo hain wo kafi familiar nazar aa rahe honge. We'll go to the plugin side and we'll try to add a new plugin. कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे एक इशू आपको जिस तरह नज़र आ रहा है ये काफ़ी दफ़ा होगा. इवन दो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लग इन आउट देर, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इस वक्त कह रहा है इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो काफ़ी अपडेट हो गया हो बट आपने ना अपडेट किया हो, प्लग इन आपका जो है वो इतना अपडेट ना हुआ हो. सो देयर आर वेरी रीजंस. विल स्टिल गो हेड एंड इंस्टॉल दिस एंड साथ ही साथ वील इंस्टॉल द डब्ल्यू पी फॉर्म्स प्लग इन एज वेल. सो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू पी फॉर्म है. इशू उसका भी वो यही कह रहा है कि इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं. इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मैंने चूँकि अपनी वर्डप्रेस की साइट को अपडेट नहीं किया हुआ, इसीलिए वो मुझे इनकम्पैटिबल दिखा रहा है. बट द पॉइंट इज एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि आप जाके एक फॉर्म बना सकते हैं और आप उसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं. सो ये जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का आपको बैकएंड जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट एंड एडिट योर ओन फॉर्म. सो वी कैन गो टू कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड आई कैन एडिट इट. यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं और मैं देखता हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वैसे ये नहीं चलेगा बिकॉज वो उधर मुझे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिक्वायर्स वर्डप्रेस 4.9 और हायर. और मेरा जो इस वक्त वर्डप्रेस का साइट है वो इतनी अपडेट नहीं हुई हुई. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट. सो ये एक सिंपल प्लगइन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यू नो किस तरह दिस प्लगइन कैन ऐड वैल्यू टू योर वेबसाइट. एंड इस तरह के फॉर्म्स के प्लगइन्स और भी हैं, उनको भी देखते रहें, देखें कि वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड ट्राई टू सी हाउ यू कैन कैप्चर डेटा. सो फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एन इंटरफेस विच इज़ बिटवीन यू एंड योर यूजर्स.
फॉर्म्स को प्लीज़ यूज़ करते रहें और देखते रहें कि फॉर्म्स को आप कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड इस तरह के बहुत सारे और भी प्लगइन्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं. एंड कीप ट्राइंग न्यू प्लगइन्स एज वी कीप इंट्रोड्यूसिंग यू टू न्यू प्लगइन्स थ्रू आउट दिस कोर्स.